नमस्कार, मैं हूं शालू बत्रा और आप देख रहे हैं पल पल। स्वच्छ भारत के निर्माण में हर किसी की भूमिका हो, इसी उद्देश्य से आज पूरे भारत देश में बीजेपी सरकार ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150वें जन्मदिवस व देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिवस पर स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत की, जिसमें स्कूली छात्राओं द्वारा पानीपत में साइकिल जागरूकता रैली निकालकर शहरवासियों को सफाई के लिए जागरूक किया गया। पानीपत उपायुक्त ने स्कूली छात्राओं की साइकिल जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी पानीपत ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा अपने क्षेत्र में पदयात्रा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150वें जन्मदिवस पर लोगों को जागरूक करने के लिए बीजेपी नेता 150 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे और लोगों को इस अहम मुहिम में जोड़ेंगे ताकि स्वच्छ भारत का निर्माण हो सके। देखिए पल पल की यह खास रिपोर्ट। आज श्री लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में और स्वच्छता के पखवाड़े का जो हिस्सा है, श्रमदान है, लोगों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने के दृष्टिकोण से स्पोर्ट्स विभाग के सौजन्य से और हमारे भारत स्काउट एंड गाइड ओपन संस्थान है, लगभग 700 बच्चों ने ये साइकिल रैली भाग लिया। शहर को एक तरह से जागरूक करने का ये प्रयास कर रहे हैं, शहर की संवेदना को स्वच्छता के प्रति कुरेदने का प्रयास कर रहे हैं। मैं बच्चों की भावना की करता हूँ। देखिए, बच्चे हमारे लिए प्रेरक हैं और मेरा तो ये बहुत विश्वास है, मेरा दिल ये कहता है कि अगर हमारे सारे बच्चे एक बार ठान लेंगे ना स्वच्छ भारत मिशन के दृष्टिकोण को अपना कर, अगर उनको ये कहेगा मैं भी गांधी, तो मेरा पानीपत स्वच्छ ना हो ये हो ही नहीं सकता। हिंदुस्तान में है ये अभियान, लेकिन हरियाणा सरकार की ओर से विशेष प्रयास किए गए हैं कि 15 सितंबर से आरंभ हुए स्वच्छता पखवाड़े आज सभी जगह ग्राम सभाएं भी हो रही हैं, सभी गाँव में, सभी महाग्राम में श्रमदान आयोजित किया जा रहा है। विभिन्न विभिन्न संस्थान और सुबह भी एक प्रभात फेरी हुई, बच्चों ने इतने संवेदनशील प्लेकार्ड्स बना कर के लोगों को जागरूक किया। मुझे लगता है ये बच्चे जिस दिन के जो संदेशवाहक असल रूप में हैं और वो सक्रिय भागीदारी भी जब अपनी सुनिश्चित करेंगे, ये स्वच्छता अभियान की सफलता उसी में ही।